ये बेलूर जाने के लिए यहाँ से फेरी पकड़नी पड़ेगी जिसका टिकट है 11 रुपये। टाइमिंग ऑफ बेलूर मठ 3:30 से 5 बैठक है, टाइम लगेगा वहाँ जाने के लिए। तो अंदर देखते हैं, 11 रुपये का टिकट लेते हैं। अभी यहाँ टिकट मिलेगा, अपना टिकट स्कैन हो रहा है यहाँ से जाने के लिए। यहाँ से चलना है अपन को आगे बेलूर मठ की ओर। अपन ही आ चुके हैं गंगा नदी पे, और मोंटी भाई आगे चल रहा है। देखो गंगा नदी, पीछे ब्रिज है। ये दूसरा ब्रिज है ना, ये हावड़ा ब्रिज नहीं, ये दूसरा वाला ब्रिज है। मैंने उसको बोला चलते हैं पैदल, पर उसने जाने से नहीं बोल दिया। तो अपन लोग पैदल ही चले हैं यहाँ से। अरे चल रहे हैं, जाना तो है, जाके खड़ा रहना है और क्या है। ये देखो गंगा नदी, माँ गंगा हमारी। कितना अच्छा लग रहा है ब्रिज का नज़ारा। ऊपर से पैदल भी जा सकते हैं, बीच में व्हीकल्स चलते हैं और उसके साइड में ट्रेन निकलती है, अगर आपको यहाँ से दिख रहा हो तो। ये टिकट मिला है 11 रुपये का जो स्कैन हुआ है, और ये बोला है कि अगर यहाँ नहीं चढ़ पाए तो टिकट कैंसिल हो जाएगा। पता नहीं सच्चाई है कि क्या है। वो हमारी खड़ी है फेरी, ये छोटे बच्चे नहा रहे हैं। ये कैप्टन का रूम ऊपर है, और ये नदी है जिससे हमको जाना है। ये सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, और अपन आगे चलते हैं। अभी अपन बैठ चुके अपनी फेरी में, वो यहाँ से निकलेंगे बेलूर की ओर, और थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। 3:30 बजे वहाँ स्टार्ट होगा, मतलब अभी बंद है। अभी हम जाके वहाँ पे बैठेंगे, 3:30 बजे दर्शन करके वहाँ से निकलेंगे। ये है ब्रिज जिसे हम पीछे छोड़कर आ रहे हैं, और हुगली नदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सामने जहाज खड़ा है, या पता नहीं, कोई समझ नहीं आ रहा है क्या खड़ा है, दिख नहीं रहा दूर से। ये हमारी ये फेरी जो आगे बढ़ रही है बेलूर मठ की तरफ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप देख सकते हैं कितने लोग बैठे हुए। हमें तो यहाँ पर जगह भी नहीं मिली बैठने के लिए। मात्र 11 रुपये में आप सफ़र कर सकते हैं इस फेरी का। ये फेरी का फ्रंट व्यू देखिए, कितना शानदार लग रहा है यहाँ से। ये सामने से बच्चे फेरी की तरफ आ रहे हैं, ये बच्चे भी इधर नहा रहे हैं। ये दूर से आपको बेलूर मठ दिखने लग गया होगा। कुछ ही देर में हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे अभी, और यहाँ के घाट कितने सुंदर। और यहाँ एक और भाई है जो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं, कूद के ही रहेंगे यहाँ से। ये आ चुका है बेलूर मठ, और यहाँ आसमान और बादलों ने तो इसकी
खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और ये हमारी जो साइड में नाव निकलने वाली, जो फेरी अभी यहाँ से निकलेगी जाने वाली, वो है। अभी अपन पहुंच चुके हैं बेलूर मठ में, तो नाव से उतर के बाहर चलेंगे। अभी पैसेंजर कैपेसिटी है। बेलूर मठ जाने का रास्ता यहीं से अंदर होना, आनंद भवन गेस्ट हाउस, ये अंदर जाने का रास्ता है यहाँ से, रामकृष्ण मठ। अभी हम आ चुके हैं बेलूर मठ में, और इसका टाइमिंग अब 3 बजे खुलेगा। लेट हो गए हम थोड़ा सा, 4 बजे शायद, 4 बजे खुलेगा। कितना देखा, चलो चल के देखते हैं। यहाँ तो 3 बजे लिखा था सामने, 3:00। हाँ, और वहीं जाकर पता करेंगे कितने बजे अपन अंदर दर्शन कर सकते हैं। चल के देखते हैं। ये सभी के बारे में जानकारी दी हुई है यहाँ पे, बंगाली में लिखा हुआ सब कुछ, संस्कृत भवन बरकन गाजी पीर दरगाह। और वो सामने है बेलूर मठ। एक दुकान में खाना खाने बैठे हैं, मेरा हाथ खराब है इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ। ये पूरी है और ये भाई जी चल रहा था इसलिए मैं खाने बैठ गया, तो भाई ने बताया बोले अच्छी है पूरी, तो अपन खाते हैं अभी और खा के फिर 4 बजे दर्शन करके चलेंगे आरंगाटा। दर्शन कर लेते पहले, उसके बाद देखेंगे क्या।